हबशा हिजरत कर चुके हैं और अपना दीन बदल चुके हैं और वहां पर बड़े आराम से और सुकून से जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये चीज उन्हें पसंद ना आए। उन्होंने मशवरा किया क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि एक सफारत भेजी जाए जो हबशा पे जाकर वहां के बादशाह से मिले और जाकर उनको सूरत हाल से आगाह करें और जितने भी हमारे बरादरी वाले वहां पर गए हैं उनको वहां से वापस ले आए ताकि फिर हम उनकी खबर लें। तो इसके लिए फिर दो अफराद का इंतखाब किया गया, एक हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, बाद में फिर अल्लाह ने इन्हें ईमान की दौलत अता फरमा दी थी, बहुत बड़े फातिह और जरनैल बने इस्लाम के। तो दूसरे अब्दुल्ला बिन अबी रबिया, इन दो अफराद का इंतखाब किया गया, बहुत माहिर सफारती मामला गुफ्तगू के अंदाज, अल्लाह ने बड़ा इनको नवाजा हुआ था, बहुत सारे तोहफे तहाइफ मुशरिकीन मक्का ने उनको दिए, सरदारों ने दिए कि ये तोहफे तहाइफ भी ले जाओ और वहां पर जाकर पहले जो नजाशी बादशाह है उसके जो वज़रा और मुशीर है उनसे मिलना, उनको तोहफे तहाइफ देना, उनको अपने एतमाद में लेना और उनको ये बावर कराना कि ये हमारे लोग हैं जो बेदीन होकर यहाँ पर आ गए और बेदीन होने के बाद तुम्हारा दीन भी कबूल नहीं किया, ये किसी और दीन की बात कर। मुख्तसर ये कि लोग वहां पर पहुंचे और वहां के जो ज़ुआमा अराकीन मजलिस अराकीन दौलत वज़रा मुशीर उनसे मुलाकातें की और उनको सारी सूरत हाल बताई कि हमारे कुछ बेवकूफ लोग, उन्होंने क्या कहा, कुछ बेवकूफ लोग आपकी तरफ आ गए अपना आबाई दीन छोड़कर, तो लिहाजा हम जब बादशाह के सामने बात रखेंगे ये मुतालबा करेंगे कि इन्हें हमारे साथ भेजा जाए तो आपने हमारी तायद करनी है, और उनको एतमाद में ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी तायद करेंगे। अगले दिन ये दोनों हजरात भी पेश हुए और आकर अपनी पूरी बात रखी और जब ये बात मुकम्मल कर चुके तो बाकी वज़रा और मुशीर कहने लगे कि हम भी इनकी तायद करते हैं, आप ऐसा करें कि उन लोगों को इनके साथ वापस भेज दें। अब चूंकि नजाशी जो था वो बड़ा रहम दिल बादशाह था, समझदार आदमी था, मामला फहम आदमी था, तो उस मौके पर जब ये सूरत हाल उसके सामने आई तो उसे गुस्सा आ गया कि बाहर क्या एक तरफ की बात सुनकर मैं कैसे फैसला करूं और तो मैं कहता हूं कि जहां पर भी आपको जाकर ले जाओ, जब तक मैं दोनों की बात नहीं सुनूंगा फैसला नहीं कर सकता, लिहाजा उन असहाब को बुलाया जाए। और ये दोनों अफराद चाहते थे कि कोई ऐसी सूरत बने कि बादशाह उनसे हम कलाम ना हो तो बेहतर है, क्योंकि वो भी जानते थे अल्लाह ने कुरान की जो तासीर रखी है कि इधर इनकी जुबान से हक का कलमा निकलेगा उधर बादशाह के दिल में उतरेगा, जिसके वो मनाज़िर मक्का में देख चुके थे। लेकिन क्योंकि बादशाह अल्लाह ने उसकी मुकद्दर में हिदायत भी लिखी हुई थी, रहम दिल भी था, तो उसने कहा बंदों को बुलाया जाए, तो सारे असहाब को वहां पर लाया गया। सहाबा परेशान भी हुए कि बादशाह ईसाई है, हम मुसलमान हैं, बहुत सारी चीजों में इख्तिलाफ है, हम कैसे कायल करेंगे बादशाह, क्या कहा जाए, क्या बात की जाए। तो बल्कि ये तय हुआ कि जो हमें अल्लाह के नबी ने बताया है हम वही आगे बताएंगे, बस इससे आगे पीछे हम कोई कमी पेशी नहीं करते। उन्हें पेश किया गया, नजाशी ने पूछा भाई तुम क्या कहते हो, तुम किस दीन की बात करते हो और ये लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं इसकी क्या हकीकत है। तो हजरत जाफर बिन तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने नजाशी बादशाह के दरबार में बड़ी और असर मौसम तकरीर की, अपना मुद्दा बयान किया। उसने कहा कि ऐ बादशाह हम लोग जाहिल थे, लाइल थे, बुतों की पूजा करते थे, बेहयाई के कामों में लगे रहते, पड़ोसियों को तंग करना, लोगों के हुकूक पामाल करना, हम में से हर ताकतवर ये चाहता था कमजोर को मैं खा जाऊं, कोई हुकूक की पासदारी नहीं थी, हर तरफ जुल्म और सितम और जहालत थी कि अल्लाह ने हम पे करम फरमाया और हम ही में से एक नबी बनाकर भेज दिया कि जिसने हमें बताया कि अल्लाह एक वादहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये जुल्म बंद करो, ज्यादती बंद करो, लोगों के हुकूक अदा करो, अमानतदारी की पासदारी करो, छोटा बड़े का अदब, बड़ा छोटे पर रहम का मामला करे। तो जितनी भी बार के मुख्तसर तालीमात थी वो सारी वहां सामने पेश कर दी। तो उसमें हमें ये कहा है कि हमें अल्लाह वादहुल्ला शरीक साहब को माने, उसके सिवा किसी को ना माने और इसका अमली मुदायरा कब हुआ
कि जब ये सहाबा नजाशी के बादशाह के उसमें दाखिल होने महल के अंदर उसके सामने पेश होने के लिए, तो उन्होंने सजदा नहीं किया नजाशी बादशाह को। इस पर अरकान दौलत बड़े गुस्से भी हुए और नजाशी ने भी कहा कि तुमने सजदा तादीम बजा नहीं लाया। तो जाफर तैयार ने कहा कि अल्लाह की पना, वाकई पहले हम हर एक के सामने सर झुका दिया करते थे, लेकिन अब हमें हमारे पैगंबर ने बताया है कि सजदे के लायक सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह के मासिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है, हम इसके रवादार नहीं, इसलिए हमने आपको सजदा नहीं किया। तो उसने सारी बातचीत सुनी। उसके बाद नजाशी ने कहा कि अच्छा वो कलाम जो नबी लेकर कुछ तब तुम्हें याद है? हाँ जी याद है, सुनाओ। और अमरे रब्बी के उन्होंने सूरह मरियम की आयत की तिलावत शुरू कर दी। वस्कुर फिल किताबी मरियम इज तबल्लत मिन अहलिहा मकानन शर्कीया। वो सारी आयत मुबारक इब्तदाई तिलावत की, अब जो उसमें हजरत मरियम का जिक्र था और हजरत मरियम के हवाले से ईसाइयत के अंदर ये तसव्वुर मौजूद है कि हमारे जो तीन खुदा है, अल्लाह यानी उसको कहते हैं बाप बेटा और मरियम, और एक कौल के मुताबिक बाप बेटा रूहुल कुदस, तो बाप हजरत मरियम को भी उलूहियत के अकीदे में शामिल समझते हैं। तो इस बुनियाद पर जो अकीदत होगी वो हम बेहतर समझते हैं। तो जब हजरत मरियम का वाकया और उनके मुतल्लिका आयात मुबारक सुनी तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि नजाशी इतना रोया कि उसकी दाढ़ी तक हो गई। अराकीन ने मजलिस को देखा, वो भी सारे रो रहे थे। तो नजाशी ने कहा कि जो कलाम तुमने पेश किया और वो कलाम जो ईसा इब्ने मरियम ने पेश किया, वो दोनों किसी एक ही आतिशदान से निकलेंगे, उनका मंबा उनका मरकज उनका मेंबर वो एक ही है। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं इन्हें तुम्हारे साथ नहीं भेजता, और मजलिस बर्खास्त हो गई और कहा कि तुम अमन से रहो, और वो दोनों वहां से निकले। जब वहां से बाहर निकले तो अमर बिन आस ने अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया से कहा, आज तो हम नाकाम हो गए, लेकिन कल मैं बादशाह के सामने ऐसी बात रखूंगा कि बादशाह इन्हें नेस्तो नाबूद कर देगा, इन्हें मार देगा, बादशाह इन्हें खत्म कर देगा। अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया ने कहा, देखो अमर जैसा भी है तो हमारे बरादरी के, तो कोई ऐसा मौका मत इख्तियार करो कि जिसकी बुनियाद पर वो इनको कत्ल करने के दर पे हो जाए, हमारी अज्जा गवाह ही तो है। उसने कहा नहीं, मैंने बात करनी है। अगला दिन आया, अमर बिन आस ने दोबारा पेश होकर नजाशी के सामने ये बात रखी कि ये मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़े सख्त जुमले कहते हैं और अच्छा नजरिया पेश नहीं कर। नजाशी ने कहा अच्छा बुलाओ। दोबारा पेश किया गया, हाँ भाई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा पैगंबर तुम्हारा किताब तुम्हारी शरीयत क्या कहती है? तो सहाबा कुछ परेशान तो हुए, लेकिन जाफर तैयार फिर खड़े हुए और कहा अब उसके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही कहते हैं जो हमें हमारे पैगंबर ने बताया और सिखाया है। हमारे पैगंबर ने बताया है कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की रूह है और उसका कलमा है, इससे ज्यादा हमें हमारे पैगंबर नहीं बताया। जब ये बात सुनी नजाशी ने तिनका उठाया और सारे मजमे के सामने बात की कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इन मुसलमानों ने मौकफ दिया है, ईसा इब्ने मरियम जरा बराबर भी इसे आगे पीछे नहीं, वही हक है जो उन्होंने कह दिया। जब ये बात ईसा नजाशी ने कही तो अराकीन जो ईसाई थे, क्योंकि वो तो उलूहियत का नजरिया रखते थे, और नजाशी ने क्या कह दिया, वो तो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं और यही हक बात है, तो लोग बड़े चहमजहमी हुए, नाक धूम चढ़ाए, बड़ा गुस्सा किया। नजाशी ने कहा जो तुम करते हो करो, जो कहते हो कहो, हकीकत वही है जो उन्होंने बयान कर दी है, इससे ज्यादा ईसा इब्ने मरियम का कोई भी मौकफ तुम इख्तियार करोगे तो वो दुरुस्त नहीं है। और फिर उनको कहा कि इनके तहाइफ वापस करो, हमें इनके तहाइफ की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। और मुसलमानों के लिए कहा कि इनको कपड़े भी दो, इनको रिहाइश भी दो और इनके सारे इंतजाम करो, और कहा कि मैं भी उस नबी पर ईमान लाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत नसीब फरमा दी। और नजाशी ने कहा हमें माल दौलत की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे ये तख्त जो दिया है तो बगैर रिश्वत के दिया है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में आता है कि इस जुमले के मतलब की वजाहत वो करती है कि इस जुमले का मतलब क्या, जो नजाशी ने कहा कि मुझे कुरैश के तहाइफ की हदाया की कोई जरूरत नहीं है, कि मुझे ये तख्त जो मिला, बादशाहत जो मिली, इख्तदार जो मिला, ये बगैर किसी रिश्वत के मिला, उसका पस मंजर ये है
तारीख में लिखा है कि नजाशी का एक ही बेटा, उस नजाशी का जो बाप बादशाह था उसका एक ही बेटा ये नजाशी था। अलबत्ता नजाशी का जो भाई था, नजाशी का जो भाई था उसके 12 बेटे थे। तो उस मौके पर अहले हबशा ने सोचा कि बादशाह अगर मर गया तो बेटा एक ही है, तो इक्तदार कहां तक चलेगा, तो क्यों ना नजाशी के भाई को बादशाह बनाया जाए, ताकि पिता दे 12 बेटे हैं तो ज्यादा अरसे तक इक्तदार इसी खानदान में रहेगा। इस बुनियाद पर इन लोगों ने साजिश की और नजाशी के बाप को कत्ल कर दिया और इक्तदार मुंतकिल कर दिया नजाशी के भाई की तरफ। वो बरसरे इक्तदार आ गया और नजाशी अपने चचा की कफालत में चला गया, उसकी तरबियत में चला गया। लेकिन अल्लाह ने बड़ा ज़ोर दिया, अक्ल व दानिश दी, तो लिहाजा सल्तनत के सारे उमूर में वो 12 पीछे रहते, नजाशी आगे आगे रहता। जब ये कैफियत अहले हबशा ने देखी और परेशान हुए कि ऐसा ना हो कि नजाशी अपने बाप का बदला ले, तो लिहाजा उसने क्या किया, बादशाह से कहा इसको कत्ल कर दो। क्या कहा बादशाह से, इसको कत्ल कर दो कि ऐसा ना हो कि इक्तदार पे काबिज हो जाए। तो बादशाह कहने लगा तुमने पहले साजिश करके इसके बाप को कत्ल करवाया, अब इसे कत्ल करवाते हो, ये मुझसे नहीं हो सकता। अगर तुम कहते हो इतना मैं कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ से गायब कर दूँ, कहा बस ठीक है, हम चाहते ये हैं कि यहाँ पर रहे ना। एक ताजर के हाथ 600 दिरहम में नजाशी को बेच दिया गया और ताजर लेके चला गया। करने खुदा की है उसी रात आसमानी बिजली गिरी और बादशाह मर गया। अब अहले हबशा परेशान, इक्तदार पे किसको बिठाए, उसके 12 के 12 बेटे अहमक और नालायक किसी काम के नहीं थे। अब सारे बड़े परेशान हुए, बिलाखिर ये फैसला किया अगर अपनी हुकूमत बचानी है, अपने मुल्क को इस्तेहकाम देना है, तो नजाशी को ढूंढ के लाओ, उससे ज्यादा बेहतर बादशाह नहीं मिलेगा। फिर दोबारा लोग भागे दौड़े, ताजर को तलाश किया, नजाशी को लेकर आए और उसको इक्तदार पर बिठा दिया। तो ये थी वो बात, ये था पस मंजर कि नजाशी ने कहा कि मुझे ये इक्तदार रिश्वत से नहीं मिला बल्कि मुझे मेरी सलाहियत की बुनियाद पर मिला है। तो मुख्तसर ये कि फिर वो हजरात सहाबा वहाँ पर रहने लगे और बड़े अमन और सुकून से जिंदगी बसर करने लगे। फिर बिलाखिर जो हजरात यहाँ पर मौजूद थे, ये 6-7 नबवी का वाकया है और 13 नबवी में अल्लाह के महबूब पैगंबर ने हिजरत फरमाई मदीना की तरफ। जब ये खबर हबशा में पहुंची कि अल्लाह के महबूब पैगंबर भी मदीना हिजरत फरमा गए, तो कुछ अफराद वो थे जो मदीना वापस आकर रहने लग गए। अलबत्ता हजरत जाफर और उनके कुछ बाकी जो अफराद थे वो उस वक्त मदीना पहुंचे जब अल्लाह के महबूब पैगंबर ने गज़वा खैबर को सर कर लिया था, यानी 7 हिजरी में। गोया कि आप समझ लें कि तकरीबन एक 12-13-14 साल के बाद हजरत जाफर मदीना पहुंचे। रिवायात में लिखा अल्लाह के महबूब पैगंबर ने उन्हें गले से लगाया, उनका बड़ा एजाज़ और इकराम किया और फरमा रहे थे कि मैं किस बात की खुशी मनाऊं, समझ नहीं आ रही कि खैबर की फतह की खुशी है या मुझे जाफर की मुलाकात की खुशी। और उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ, फिर वो उनके साथ वहाँ पर रहने लग गए। तो ये था हिजरत सानिया जो कि हबशा की तरफ अल्लाह के महबूब पैगंबर के हुक्म से इन हजरात ने फरमाई थी। और इसी दौरान जबकि हजरात हबशा में थे, एक और वाकया पेश आया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हिजरत का इरादा करके हबशा की तरफ चल पड़े। जब एक मकाम पर पहुंचे बरकुल गम्मात में, तो वहां पर बनी कारा वहां का सरदार इब्नु दगीना उससे मुलाकात हो गई। वो मुसलमान नहीं था। कहा अबू बकर खैरियत, किधर जा रहे हो? अबू बकर ने कहा तुम्हारे इलाके वालों ने मुझे निकाल दिया, मैं भी हिजरत करके गया कि हबशा जा रहा हूँ ताकि मैं उनके साथ मिल जाऊँ। तो इब्नु दगीना ने आपका हाथ पकड़ लिया और कहा अबू बकर तुम जैसे लोग ना तो निकलते हैं ना निकाले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि तुम लोगों की मदद करने वाले हो, तुम दादरसी करने वाले हो, लोगों का बोझ उठाने वाले हो, हक के मददगार हो। यानी ये वो अल्फाज हैं, अगर आपको याद हो पिछले जुमू के अंदर जब अल्लाह के महबूब पैगंबर वही की पहली जो आयात उतरी लेकर वापस पहुंचे हजरत खदीजा के यहाँ और आपके जिस्म पे कपकपी तारी थी और आपने सारा वाकया सुनाया, हजरत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और चंद कलिमात कहे, वही कलिमात भी आई नहीं इब्नु दगीना ने अबू बकर के बारे में कहे, जिस उलमा ने लिखा है कि मकाम सिद्दीकियत जो है ये मकाम नबुव्वत के बड़े करीब है, कि जो नबुव्वत का अक्स था वो अक्स हमें सिद्दीक की ज़ात में नजर आया, कि वो औसाफों का मलाम जो
जो अल्लाह के महबूब पैगंबर के अम्मा खदीजा ने बयान फरमाए थे, वही औसाफ कमालात इब्न दगीना ने सिद्दीक अकबर के बयान फरमाए। आग से पकड़ा, वापस मक्का लाए, तवाफ किया और लोगों से कहा कि मेरी बात सुनो, अबू बकर यहाँ से जा रहा है, हालांकि अबू बकर जैसे लोग जया नहीं करते ना निकाले जाते हैं, मैं इनको पना देता हूँ, तुम्हें मेरी पना लेनी पड़ेगी। इब्न दगीना सरदार था, कबूल कर लिया, लेकिन शर्त क्या लगी? शर्त ये है कि अबू बकर अपने घर में इबादत करेंगे, नमाज घर में पढ़ेंगे, कुरान घर में पढ़ेंगे। ऐलानिया, ना नमाज पढ़ सकते ना कुरान पढ़ सकते, क्यों? वजह क्या थी? और मुशरिकीन ने यह भी कहा, हमें अपनी औरतों और बच्चों पर अंदेशा है कि कहीं वो इससे मुतासर ना हो जाए। क्यों? अल्लाह के महबूब पैगंबर के महबूब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो घर में बैठकर कुरान की तिलावत किया करते थे तो इतना रोते थे कि बस रोते ही रहते थे, और मुशरिकीन की औरतें और बच्चे दीवारों के साथ कान लगाकर सिद्दीक अकबर का कुरान सुना करते थे, और मुशरिकीन आकर उन्हें पीछे हटाते थे, पीछे हटो, लेकिन वो अबू बकर का रोना देखते रहते थे। हालांकि अल्लाह ने बड़ी हिम्मत और इस्तिकामत दे रखी थी, लेकिन उसके बावजूद जब भी कुरान की तिलावत करते तो अपनी आंखों पर उनको इख्तियार बाकी ना रहता और ज़ारो कतार होते रहते। शर्त मान ली गई, अब अपने घर चले गए और घर के अंदर शहर में मस्जिद बना ली अपने लिए, और वहीं पर नमाज पढ़ते, वहीं पर कुरान की तिलावत करते। लेकिन ज़ाहिर है ज़ोर और शोर आगे बढ़ता चला गया कि फिर आपकी आवाज़ दरो दीवार से बाहर सुनाई दी जाने लगी। मुशरिकीन इब्न दगीना के पास आए कि देखे, शर्त ये थी कि ये अपने घर की चार दीवार के अंदर इबादत करेंगे, अब इनका मामला चार दीवार से बाहर निकल रहा है, लिहाजा या तो आप अमान वापस करें, नहीं तो फिर हम तोड़ने पर मजबूर होंगे। जब ये बात सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पहुंची तो खुद फरमाने लगे, इब्न दगीना मैं अपना जो तुमने मुझे अमान दिया था तो मैं वापस करता हूँ और खुद को अल्लाह की अमान में देता, और वहीं पर रहने लग गए। तो ये एक मामला, ये एक मरहला, ये एक वाकया उस दौरान पेश आया। पर के आगे हालात चलते गए, अबशा में वहां पर सूरत हाल क्या बनी कि मुसलमान बड़ी इज्जत और आराम से रहने लगे, बादशाह उनके हक में खड़ा हो गया। इधर हजरत हमजा ईमान ले आए, हजरत उमर इब्न खत्ताब ईमान ले आए, मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। कुफार मुशरिकीन परेशान कि अब जोर कैसे तोड़े, और भी हरबा नहीं है। तो फिर सन 7 हिजरी में, 7 नबवी में, नबुव्वत के 7वें साल में उन्होंने फिर क्या किया, बनू हाशिम का माशी और माशर्ती बायकॉट कर दिया। माशी और माशर्ती बायकॉट, यानी ये इतना 3 साल का दौर रहा कि 3 साल मुकातिया वाली कैफियत रही। जब ये वायदा लिखा मंसूर बिन इकरमा ने और उसमें लिख दिया कि इनके साथ हमने बातचीत खत्म कर दी, लिख दिया हम इनके साथ लेन देन खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, इनकी बेटी निकाल कर ना लाएंगे, ना अपनी बेटी इनको निकाह में देंगे, इनके साथ कोई मामला नहीं होगा, कोई इन्हें राशन पानी नहीं देगा, यानी बिल्कुल गोया कि उनको दीवार के साथ लगा दिया। अबू तालिब को जब ये बात पता चली तो आपने खानदान बनू हाशिम को लिया, और शेब अबी तालिब आपने नाम सुना है, वो उनका अपनी जगह थी, वहां पर जाकर खैमे लगाए और वहां पर मासूर हो गए। वो पहाड़ की घाटी में एक तंग जगह थी और वहां पर अपने बनू हाशिम के लोगों को ले लिया। उधर से मुशरिकीन ने अरब की तरफ से ये मुतालबा था कि मोहम्मद को हमारे हवाले करो, हम नाऊद बिल्ला उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, कि अब हमारे सारे हरकत फेल हो चुके हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, जब तक तुम मोहम्मद को हमारे हवाले नहीं करते हो हम तुम्हारे साथ ये बायकॉट जारी रखेंगे। ये गोया के माशी बायकॉट भी है, ये माशर्ती बायकॉट भी है कि ना लेन देन होगा ना ताल्लुकात उस्तवार किए जाएंगे, और ये बड़ा सख्त मरहला था। बार क्या खानदान बनू हाशिम ने कहा, हमें सारी अजियतें बर्दाश्त हैं, हम अपना मोहम्मद आपके हवाले नहीं कर सकते। अबू तालिब के जिन्होंने बड़ी खिदमत की अल्लाह के महबूब पैगंबर की, वो वसीयत जो वालिद करके गए अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब को कि मेरे पोते का अपने भतीजे का तुमने ख्याल रखना है, उस मौकफ पर कायम रहे और अपने सारे खानदान को लेकर शेख अबी तालिब में मासूर हो गए। मुख्तसर ये कि कब तक वो गल्ला चलता, कब तक अनाज चलता, कब तक मामलात चलते, रिवायात में लिखा है कैफियत ये बन गई कि